नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। गुजरात के अरवली जिले के भिलोड़ा तहसील में स्थित हाथमती नदी के किनारे स्वच्छ भारत के संकल्प का खुलेआम कचरा व प्लास्टिक फेंक मजाक हो रहा है, देखिए। हमारी एचबीएन की टीम ने भिलोड़ा तहसील की हाथमती नदी के किनारे जो कमथाडिया गांव में जाने वाले रास्ते के साइड में और एसआर पेट्रोल पंप के पास स्थित है, जहां कचरे का ठग देखकर उस विस्तार का दौरा किया। आप देख सकते हैं कि ये जो कचरे का ठग है जिसमें प्लास्टिक व कई हानिकारक पदार्थ दिख रहे हैं जो आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं और नदी के पानी को भी जहरीला बनाते हैं। ये ना ही सिर्फ लोगों के लिए पर पशुओं और पक्षियों के लिए भी बहुत जानलेवा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गाय यहाँ कचरा खा रही है। जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिस नदी को भी हम माता कहकर बुलाते हैं, ये सब यहाँ मजाक लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहरीले कचरे का ठग दूर से भी दिखाई देता है, पर प्रशासन की आंख पे जैसे गहरी नींद की पट्टी बंधी हुई है। हमारे संवाददाता राहुल शाह खुद मौके पर गए तो देखा कि पवित्र माने जाने वाली ये हाथमती नदी को कचरे का डब्बा बना दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया है और सभी देशवासियों से आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया है, पर ये देखकर लग रहा है कि स्वच्छ भारत का इरादा सिर्फ शब्दों में ही पालन हुआ है। सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। अब इसमें देखना ये है कि प्रशासन इस समस्या का क्या हल निकालती है। हम आशा रखते हैं कि प्रशासन जल्द ही कोई कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राहुल शाह, एचबीएन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारी एचबीएन न्यूज चैनल यहां भिलोड़ा तहसील में आ पहुंची है और हम आपको सबको कुछ ऐसी चीज दिखाएंगे कि देख के आप एकदम दंग हो जाएंगे कि यहां पे ये भिलोड़ा तहसील में क्या हो रहा है। प्रशासन क्यों सोई हुई है, प्रशासन के आंखों में क्यों नींद की पट्टी लगी हुई है। यहाँ पे इतना सारा ढेर कचरा पड़ा हुआ है, फिर भी प्रशासन अभी भी कुछ नहीं कर रही है। कितने सालों से ऐसा कचरा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो इतना सारा कचरा है यहाँ पे, और ये कचरे से ये जो रास्ता जा रहा है, ये सड़क जो जा रही है, ये कमथरिया गांव में जा रही है। ये कमथरिया गांव में 5 से 6 गांव, ये कोलोपरेशन गांव है, वहाँ का रास्ता यही से निकलता है, यही से आम जनता आने जाने का रास्ता है। उसमें आने जाने वाली जनता को इतनी तकलीफ हो रही है, ये कचरा इतना दुर्गंध मारता है यहाँ पे, इतनी बदबू मारता है यहाँ पे कि कोई यहाँ से जाना उसके लिए संभवित नहीं है। फिर भी प्रशासन ने कोई आज दिन तक यहाँ पे कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है कि इसका कोई निकल हो सके। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? हाँ, शुभ नाम ओम पंखड़िया बत्तीस हो। हमारे यहाँ आवाज जवानी भिलोड़ा तरफ आवाज व्यवस्था है। आपका शुभ नाम सर? हाँ, तो आपका नाम क्या है? बिंबाजी कर्मा जी, बुआ कमठाडिया बत्तीस हो। अँ हमारे आवाज जवान माटे गंदगी बहुत थाय है भिलोड़ा नजीक में आजूबाजू, तो आ गंदगी दूर थे हूँ प्रार्थना करूँ छू कि आ गंदगी दूर थाय। जी सर, आपने प्रशासन से कभी मांग की है? प्रशासन अगर इसका कोई निकाल नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे सर? आप तो आगामी कार्रवाई करेगा, आगे की कार्यवाही करेंगे। हाँ। अच्छा सर। हाँ। और मैं यूँ कह रहा हूँ कि ये गंदगी जो हो रही है उससे मनुष्यों को और जानवर को भी आरोग्य के लिए हानिकारक है, तो उसके लिए आरोग्य खाता ने कोई अभी तक कोई और स्थानिक जो प्रशासन है उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो सर आपके उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर चाहिए अपने आगे कार्रवाई करो। आगे करेंगे? हाँ। अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार, आपका शुभ नाम? कौन सा गांव आपका? उपसल। तो आपका तहसील कौन सा पड़ता है यहाँ पे? भिलोड़ा तहसील है। तो आपके यहाँ से कितना किलोमीटर का दूरी है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की। तो आपको ये तहसील में आपके गांव से कितनी बार आना पड़ता है दिन में? दो तीन बार। तो आप यहां से गुजरते होते ये कचरा आप देखते हो यहां पे? रोज ऐसा ही दिखता है। अच्छा, तो उसके बारे में आप प्रशासन से क्या मांग रखते हो? यह कचरा यहीं पे रहना चाहिए या हटाया जाए? हमने अभी स्थानिक लोगों से बातचीत की और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो प्रशासन अभी गहरी नींद में सोई हुई है, ये कचरे के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमको आंदोलन पे उतरना पड़ेगा, और उसके बाद जो ये कचरा नहीं हटेगा तो ये पूरी जनता यहाँ पे रास्ते पे उतर आएगी। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।